में वेद संस्थान के आचार्य श्री आचार्य दास जी वेब्स की इस भारत में जो अध्यक्षा हैं और हमारी आदरणीय बड़ी बहन श्रुति श्री से जो विभूषित है डॉक्टर शशि तिवारी जी, अभी मैडम संतोष कपूर जी मैं देख रहा हूँ और बाकी जितने लोग हैं इस लिस्ट ये 12-13-14 लोग हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हुआ आज का जो मेरा विषय है अघमर्षण सूक्त की प्रासंगिकता, उस अघमर्षण सूक्त के विषय में आपके समक्ष मैं कुछ अपने विचार रखूंगा और विचार इस रूप में रखूंगा कि यहाँ पर बहुत बड़े चिंतक बैठे हुए हैं, मेरे से एक पीढ़ी बड़े लोग भी यहाँ हैं और उनका स्वाध्याय बहुत परिपक्व है, मंजा हुआ है, तो इसको आप एक प्रकार का संवाद ही मानिए इसको जो है, और संवाद में जो बातचीत में जो निकल करके आता है उससे दोनों पक्षों को दोनों साइड को है ना, जो संवाद करने वाला है और जिसके जिनके साथ संवाद हो रहा है उनको भी फायदा होता है और संवाद करने वाले को भी उसका फायदा मिलता है, क्योंकि मनुष्य अलग्य है, ये जरूरी नहीं है कि उसको सारी चीजें आती हों। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर बहवश्च विघ्नः सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु हंसैर यथा क्षीरमिवाम्बु मध्या। ये पंचतंत्र का श्लोक है, आयु बहुत सीमित है, शब्द राशि बहुत बड़ी है, इसलिए जो सार है इस सार को ग्रहण कर लीजिए आप, और हम तो वेद की चर्चा करते हैं, अनंता वही वेदा, वेद ज्ञान राशि अनंत है, इसकी व्याख्याएं अनंत हो सकती हैं, तो इसलिए जो मुझे जो चिंतन आया जो अभी आचार्य दास जी ने जिन मेरे प्रबुद्ध आचार्यों का नाम लिया सब उन्हीं की ही कृपा है, उनका साहित्य मैं पढ़ता हूँ मनन करता हूँ और कुछ ज्ञान बिंदु उनसे प्राप्त होते हैं, तो वही प्रतिफलन आज आपके समक्ष में इस संवाद शैली में इस विमर्श में प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि ऋग्वेद का जो सेकंड लास्ट सूक्त उसको अघमर्षण सूक्त के नाम से जाना जाता है। ये तीन मंत्र हैं, इसमें मैं वाचन कर रहा हूं तीनों मंत्रों का। ओम ऋतंच सत्यंचाभिधात् तपसोध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयात् दिवंच पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। ये तीन मंत्र हैं और ये सेकंड लास्ट सूक्त ऋग्वेद का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संवनन सूक्त बोला जाता है, संगठन सूक्त बोला जाता है, उसकी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्ता है, ऐसे ही इस सूक्त की भी बहुत महत्ता है। देखिए, किसी भी मंत्र को सूक्त को समझने के लिए ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि उसमें उसका ऋषि कौन है, उसके मंत्रार्थ का दृष्टा ऋषि कौन है और उसका सब्जेक्ट मैटर जिसको देवता कहा जाता है वो क्या है और उसका छंद क्या है। इसमें इस सूक्त का जो ऋषि है वह ऋषि मधु छंदसो अघमर्षण है। इसका जो ऋषि है मधु छंदसो अघमर्षण और जो इसका देवता है सब्जेक्ट मैटर है वो भाववृत्तम है और जो इसका छंद है वो अनुष्टुप है। तीनों का यदि आप देखोगे
तो बहुत ही बढ़िया इसका वर्णन है, जो इसका जो इस सूक्त का नामकरण हुआ लोक में वह अघमर्षण सूक्त के नाम से हुआ। आप कहोगे सब्जेक्ट मैटर तो इसका भाववृत्त है, सृष्टि की एग्जिस्टेंस को यह बता रहा है, सृष्टि के अस्तित्व का जो वृत्त है भवति भूतस्य वृत्तम्, भाववृत्तम जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स दिखाई दे रहा है हमको, इसका जो सूक्त वेद में कई सारे भाववृत्त सूक्त हैं, नासदीय सूक्त भी भाववृत्त की कोटि में आता है, ऐसे और कई हैं। दार्शनिक दृष्टि से जब आप इस पर चिंतन करोगे तो आपको उन सूक्तों की गहराई का भान होगा। मेरा विषय क्योंकि अघमर्षण सूक्त है और मैं ये कह रहा था कि इसका नाम अघमर्षण इसलिए पड़ा क्योंकि वेद के बहुत से सूक्त मंत्रार्थ दृष्टा ऋषियों के नाम से पड़े हैं, उनमें एक सूक्त ये भी है जिसको अघमर्षण सूक्त कहा जाता है। आपने नासदीय सूक्त का नाम सुना है, ऋग्वेद ये दशम मंडल का ही है, उसका नाम नासदीय सूक्त पड़ हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये मंत्रों के प्रारंभिक शब्दों से उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। न असदासीत नो सदासीत तस्मिन रजो नो व्योमा परोयत, ये एक शैली है जो सूक्त जिससे प्रसिद्ध हो गया उसको उस नाम से कहा जाता है। अथर्ववेद में एक पार्षणी सूक्त है, पार्षणी सूक्त जो है स्कंभ ब्रह्म ज्येष्ठ ब्रह्म, इस सूक्त में वर्णन है, ब्रह्म के विषय में वर्णन है, लेकिन वह पर्टिकुलर सूक्त जो दसवें कांड का है वह पार्षणी के नाम से प्रसिद्ध है। एक सूक्त है ऋग्वेद का अस्य वामी सूक्त जो है 164, अस्य वामस्य, यहाँ ये पहले मंत्र के ये प्रारंभिक शब्द हैं, तो वह सूक्त अस्य वामी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट मैटर के जो सब्जेक्ट मैटर में देवता जो उसका प्रतिपाद्य है उसी के नाम से वह मंत्र यह सूक्त प्रसिद्ध हो, ये आवश्यक नहीं है वेद में जो है। तो ये अघमर्षण सूक्त के नाम से है और इसको अघमर्षण क्यों कहा जाता है, मैं पहले अपनी बात स्टार्ट करूंगा यहां से जो है, ये क्योंकि अघमर्षण सूक्त के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये भाववृत्त तो इसकी विषय वस्तु है, वहां तो हम जाएंगे ही जाएंगे, पर ये अघमर्षण जो है ये क्यों है? जो ऋषि बार बार इन मंत्रों का पाठ कर रहा है संसार में आकर के उसमें लोभ मोह काम क्रोध आदि बहुत सारी जो इस तरह की नकारात्मक चीजें मनुष्य के अंदर आती हैं, तो वह उसमें लोभ भी है और पाप का कारण होता है और ये सब मन के साथ में जुड़े हुए हैं। लोभ है पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है, तो ये सारा मन से ही होता है। जो 10 इंद्रियों के अतिरिक्त जो 11वीं इंद्रिय है, महाराज मनु कहते हैं कि एकादशम मनोज्ञेयम स्वगुणेनो भयात्मकम्, अपने गुण से ये मन जब कर्मों के साथ में लगता है तो कर्मेंद्रिय के नाम से कहा जाता है, जब ज्ञानेन्द्रियों के साथ में लगता है तो ये ज्ञानेन्द्रिय के रूप में कहा जाता है। तात्पर्य ये है कि ज्ञान और कर्म इन दोनों के साथ में इस मन का संबंध है, इसलिए यह ज्ञानेन्द्रिय वाला भी है और यह कर्मेंद्रिय वाला भी है। इट मीन्स ये उभयात्मक इंद्रिय है और सारे पापों की जड़ जो है ये मन ही है। अग बोलते हैं पाप को, पाप का मर्शन पीसना, उसको कुचलना, उसको रगड़ना, उसको साफ करना जो है, ये जो सुबह से लेकर के शाम तक और रात्रि से लेकर के सूर्योदय तक, क्योंकि दो कालों में जो है हमारे यहाँ ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ होता है, जिसको संध्या बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ को, तो प्रातः प्रातः सोमनस्य सिद्धाता सायं सायं, तो यथर्वेद का मंत्र आता है, जो हम सोमनस्यता को पैदा करना चाहें तो हम प्रातः सूर्योदय होने से 24 मिनट बाद तक जो हम बैठ करके संध्या वंदन कर सकते हैं, ऐसे ही सूर्यास्त से 24 या 28 मिनट पहले जो है हम संध्या वंदन कर सकते हैं। इन दोनों समयों में बैठ करके हम अपने मन के अंदर जो पाप का उदय हुआ है, जो हमारे अंदर काम क्रोध
लोभ मोह आदि पैदा हुए हैं उनको हम कैसे मर्शित करें। तो वेद का एक सूक्त जिसको अगमर्शन कहा, जिस भाववृत्त है, तो हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा ने इन तीनों मंत्रों का विनियोग अगमर्शन नामक प्रकरण में किया। मैं यहाँ आपको इस सूक्त के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, संभवतया कईयों को मालूम हो और अधिकांश को न मालूम हो कि ये संध्या प्राचीन काल से चली आ रही है। मैंने कुछ दिनों पहले तिब्बत के अंदर जो संध्या प्रचलित थी, आपको ध्यान होगा जब बौद्धों का इस देश के अंदर प्राबल्य हुआ तो नागार्जुन जैसे पंडित भी बौद्ध बन गए। नागार्जुन कोई छोटा मोटा पंडित नहीं था और अपनी परंपरा को वो तिब्बत में ले गया। और परंपरा आसानी से छूटती नहीं है, उसमें पीढ़ियां लगती हैं। तो तिब्बतियन लैंग्वेज में वो जो संध्या वंदन किया करते थे नागार्जुन, वो तिब्बतियन लैंग्वेज में एज इट इज देखने को मिली। और जब वर्षों बाद में वो नागार्जुन तो गए बहुत दिन हो गए, वर्षों बाद में जब ये एक बहुत बड़े घुमक्कड़ शास्त्री हुए हैं राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जब तिब्बत में गए वहां से कई गधों का बोझ किताबों के रूप में लेकर के आए, उनमें एक संध्या की पुस्तक तिब्बतियन लैंग्वेज में मिली जिस नागार्जुन के समकालीन एक संध्या भी देखने को मिली। उस संध्या में भी इन अघमर्षण सूक्त का विनियोग है। अब आपको आश्चर्य होगा जो आर्य समाजी परंपरा के लोग हैं वो तो प्रतिदिन दोनों समय में बैठ करके इस संध्या में इस अघमर्षण जो अघमर्षण जो प्रकरण है उसमें इनका विनियोग है। और अघमर्षण के तुरंत बाद में मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं, क्योंकि अघ का संबंध हमारे विशेष रूप से पहले मन के साथ में है, तो ये मन का प्रकरण है। तो कहने का मतलब ये है कि हम वैदिक लोग, सनातन धर्मी लोग, हम हिंदू लोग 24 घंटे में दो बार बैठ करके अपने मन की शुद्धि किया करते थे। और ये अघमर्षण सूक्त ये सृष्टि को की एग्जिस्टेंस को बताने वाला ये भाववृत्त सूक्त जो है ये इस बात को बता रहा है। अब आपके मन में ये प्रश्न पैदा होगा कि ये बताइए कि इससे पाप का मर्शन कैसे होता है। आपने हिंदी भाषा में एक कहावत सुनी होगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट को यह घमंड हो गया कि मुझसे बड़ी हाइट का कोई प्राणी नहीं है। उसका मालिक जब पहाड़ पर किसी काम के लिए या व्यापार के लिए गया, उसके ऊपर जो है विनिमय की वस्तुओं को लाद करके जब गया तो पहाड़ के नीचे को निकला। पहाड़ तो क्योंकि ऊंचा होता है, तो ऊंट ने, ये कहावत है, ऊंट को लगा मुझसे भी ऊंचा कोई होता है, मुझसे भी कोई बड़ा होता है। इस कहावत से यह शिक्षा प्राप्त हुई हमको कि इंसान प्रतिदिन कुछ ना कुछ अहंकार में डूबा रहता है। मेरे में मैंने इतनी विद्याओं का अध्ययन कर लिया, मैं व्याकरण का पंडित बन गया, मैं वेदांत का पंडित बन गया, मेरे पास में चार चार गाड़ियां हैं, मेरे पास बंगला है, मेरे पास नौकर चाकर हैं, मेरे पास में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं, मेरे बहुत सारे नौकर चाकर हैं। और इसमें भी पड़ गया तो उससे वो घमंड हो गया, अहंकार हो गया। तो जब उसने ये देखा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये सृष्टि को झांक करके देखता है, रितंच सत्यंचा भी धातव सोध्य जायत है ततो रात्रि अजायत है ततः समुद्र अर्णवा सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व कल्पयत। जब इन मंत्रों का पाठ करता है और इनके अर्थों पर जब वह विचार करता है तो तब ये पता चलता है कि इंसान तो इस सत्ता के समक्ष कुछ भी नहीं है। ये जो सत्ता है परमपिता परमात्मा की, ये बहुत बड़ी सत्ता है, इस सत्ता को कोई हिला नहीं सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इन मंत्रों को उद्धृत करते हुए सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत इस संदर्भ में यहाँ उपलक्षण माना है। ये वेदोत्पत्ति प्रकरण के अंतर्गत उपलक्षण से चारों वेदों की रचना भी उन्होंने स्वीकार की है। जैसे पहले कल्प में परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, वैसे ही इस कल्प में भी परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की संरचना की। और उस संरचना के अंतर्गत ही,
उसने वैदिक ज्ञान को इन वेदों को चार ऋषियों के अंतःकरण में इसका इंट्यूशन दिया, अर्थात गीर्ण किया जो है उन ऋषियों के अंतःकरण में। ये स्वामी दयानंद ने उपलक्षण से इन्हीं मंत्रों के माध्यम से अपनी बात को रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अधमर्शन जो सुक्त है ये बहुत इस डे टू डे की लाइफ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम पग पग पर अहंकार ईर्षा द्वेष करते रहते हैं, वो ना करें तो आप देखिए पूरी संकल्पना है संध्या की जो है, क्योंकि मेरा विषय संध्या नहीं है इसलिए मैं उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। आचमन के बाद में फिर हम अंगों के अंदर वह शक्ति आए, जो जो इंद्रियां हैं तत्त्वत शक्ति उनके अंतर्गत आए, उनमें आए, उनमें प्यूरिटी आए, और फिर सात महाव्याहृतियों के माध्यम से अपने श्वास प्रश्वास में हम उस परम उस सुप्रीम बीइंग की सत्ता को जो है हम अनुभव करते हैं, और तब जाकर के अघमर्षण का प्रकरण आता है इतनी शुद्धि के बाद में जो है। तो जो इंसान जो सोसाइटी जो जाति प्रतिदिन दो समय में बैठ करके अपने अघ का मर्शन करती रही हो तो समाज के अंदर जो है अच्छे नागरिक पैदा भी करती रही हो। तो आज जो बिखराव पैदा सोसाइटी के अंदर हुआ है, आज जो इस तरह का आपस में वैमनस्यता देखने को प्राप्त हो रही है सोसाइटी के अंदर, उसका मूल कारण सबसे बड़ा जो मैं मानता हूं वो एक प्रकार का ये अघ है, ये पाप है। अति लोभ और अति कामुकता जो है ये दोनों इसी कारण है, क्योंकि परमात्मा की सत्ता को वो अनुभव नहीं करती। और ये सुक्त जो भाववृत्ति है अघमर्षण सुक्त, ये मनुष्य को 24 घंटे में दो बार कम से कम इसलिए विवश करता है कि मेरी सत्ता कुछ भी नहीं है उस जगत की बड़ी सत्ता के सामने, सच्चिदानंद स्वरूप वह परमात्मा है। आइए अब इस सुक्त के अर्थों पर विचार करते हैं, क्योंकि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, क्योंकि मन ही मनुष्यों के बंध और मुक्ति का कारण होता है, जैसे कि मैत्रायणी आरण्यक में कहा गया है। इसलिए हम बंधन में ना पड़ें, हम मुक्ति को प्राप्त करें, हम मोक्ष को प्राप्त करें, इसलिए इन मंत्रों का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। ये बात बहुत जरूरी है मुझे बतानी कि क्योंकि सृष्टि की एग्जिस्टेंस का ये वर्णन कर रहा है। वेदों के अंदर प्रायशः जैसे स्मृतियों के अंदर एक प्रकरण को लेकर के कहीं वर्णाश्रम सिस्टम को लेकर के चर्चा चलती है तो वह पूरा प्रकरण वर्णाश्रम का ही होता है, या कहीं धर्म का वर्णन होता है, कहीं राजनीति या राजा का वर्णन होता है, तो उसका एक पूरा का पूरा एक प्रकरण होता है। इन स्मृति धर्म शास्त्रों की तरह वेद में इस तरह का प्रकरण नहीं है। कभी आप ये सोचो कि सारी सृष्टि की एग्जिस्टेंस को बताने वाला है ये एक जगह ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बिखरे हुए हैं ये सूत्र सृष्टि की एग्जिस्टेंस को बताने वाले या और प्रकरण जो है बिखरे हुए हैं। ये उन बिखरे हुए में हमें अपने सूत्र जोड़ने पड़ते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखने की बात है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो कहीं अध्यात्म में कोई अर्थ देता है, अधिदेवत्व में कुछ और अर्थ देता है, और आधि भौतिक में वह कुछ और अर्थ देता है। लेकिन जहां तक सृष्टि की एग्जिस्टेंस का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है और अर्थ तो उसके फलितार्थ हो जाएंगे, परंतु वह सीधा सीधा अधिदेवत अर्थ को बताने वाले हैं, जो एक साइंटिफिक जिनका मीनिंग है। अधिदेवत से मैं वैज्ञानिक अर्थ लूंगा इसको जो है ये, तो इसलिए इस पर ये विचार करना आवश्यक है कि इन मंत्रों का अर्थ क्या है। देखिए जब हम इन पर विचार करेंगे तो हम लोक की दृष्टि से विचार, हम लोक प्रसिद्ध शब्दार्थ के अनुसार इनका अर्थ नहीं करेंगे। लोक के अंदर संवत्सर का जो अर्थ होता है वह वर्ष उसको बोलते हैं, संवत्सर का मतलब होता है ईयर वर्ष, और समुद्र का मतलब होता है
ओशियन जिसको बोलते हैं, सागर के रूप में बोलते हैं जिसको जो है ये। और दिन और रात्र जो होते हैं वो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों उत्पन्न हो गए, सूर्य उत्पन्न हो गया और पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी जब परिक्रमा करने लगती है तभी दिन और रात होते हैं। परंतु इस सूक्त में ऐसा इस क्रम से वर्णन नहीं है, ये ध्यान रखना जो है। इसलिए हम मंत्र में संवत्सर जो इसका अर्थ है उस अर्थ से कर्म भंग जो दोष होता है, तो उस कर्म भंग दोष की कल्पना सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के परिभ्रमण जो आश्रित है, तो कहते हैं उस से पूर्व रचना कैसे हो गई, यह एक विचारणीय प्रश्न पैदा होता है। तो पृथ्वी निर्माण से पूर्व कैसे उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इस सूक्त के अंतर्गत है तो हमको ये विचार करना होगा कि इसमें जो पद हैं उनका क्या विशेष अर्थ है। तो मैं उसी क्रम से इनका अर्थ करूंगा और आपसे अपेक्षा करूंगा कि मेरी इन बातों पर थोड़ा आप ध्यान देंगे। मंत्रों का अर्थ बहुत सरल है, परंतु इसके अंदर कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, उन पारिभाषिक शब्दों को आपको समझना होगा। पहला मंत्र है रितंच सत्यंचाभिधा तपसो अध्यजायत ततो रात्रि अजायत ततः समुद्रो वर्णवः। कहते हैं रितंच सत्यंच, गतिशील चेतन जगत, गतिशील चेतन जगत और सत्य, सत्यम बोलते हैं स्थिर रहने वाला, अर्थात अचेतन जगत, एक गतिशील जगत और एक अगतिशील जगत जो है ये दोनों है। ये रित का मतलब हो गया जो गतिशील है और जो सत्य है उसका अर्थ हो गया जो गतिशील नहीं है। रिगतौ धातु है, रिगतौ धातु, रिगतौ धातु से एक तय प्रत्यय होकर के रित बनता है, अर्थात गतिशील चेतन जगत। और सत्य का मतलब क्या है, अस्तिति सत, सत्सु साधु सत्यम, या जो कि रित रित के पठित होने से रित के विपरीत अर्थ देगा। ये ध्यान रखने की बात है, वैदिक वांग्मय के अंदर रित और सत्य जहां दोनों एक साथ पड़े होंगे तो दोनों का एक अर्थ नहीं होगा, अलग अर्थ होगा। वैदिक साहित्य में रित सत्य के पर्यायवाची के रूप में भी है, उसके अर्थ के रूप में भी आता है, यद्यपि अंतर होता है ऐसा हमने देखा है, क्योंकि यहां दोनों एक साथ पड़े हुए हैं। अथर्ववेद का भूमि सूक्त है, भूमि सूक्त का प्रारंभ सत्यम बृहद ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयंती, यहां से इसे प्रारंभ होता है, सत्य से प्रारंभ होता है, बीच में बृहद शब्द है, फिर रित है, बड़ा रित जो है ये कहा अर्थ है, विद्वानों ने अर्थ किया उसका। तो रित और सत्य दोनों एक साथ पड़े हुए हैं तो विपरीत अर्थ होगा, यहां पर विपरीत अर्थ है। तो रित का मतलब है गतिशील, अर्थात गतिशील चेतन जगत, और सत्य का मतलब है जो कि स्थावर जगत है, इसका ग्रहण करना होगा। तो कहते हैं उसका विरोधी, रित का विरोधी। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने रित शब्द के संदर्भ में मीमांसा साबर भाष्य का हिंदी व्याख्यान करते हुए इस बात को हाईलाइट किया है, रेखांकित किया है, क्या कि नासदीय सूक्त के अंदर जो सत और असत शब्द हैं वे दोनों रित और सत्य के पर्यायवाची हो सकते हैं क्रम से जुड़े, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक का मत है, क्योंकि सत्य से स्थूल अर्थात इंद्रियों से ग्राह्य जगत, सत का मतलब है जो स्थूल अर्थात इंद्रियों से, ये जो हमारी इंद्रियां हैं जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं इनसे जो है इनका ग्रहण होता है, और जो असत है, असत का अर्थ उन्होंने किया है जो सूक्ष्म है, जो इन इंद्रियों से जो दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए रित और सत्य का यह अर्थ भी पॉसिबल है, ऐसा पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने साबर भाष्य के अंतर्गत इंगित किया है।
अब मैं रित और सत्य के संदर्भ में एक विशेष बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं, तभी आपको मंत्र में रित और सत्य जो शुरू के जो शब्द पढ़े हैं ये आपको समझ में आएंगे। जो है आपने डॉक्टर भगवान दास का नाम सुना होगा, बहुत बड़े उच्च कोटि के पंडित हुए हैं। डॉक्टर भगवान दास को उद्धृत करते हुए गंगा जान सागर में डॉक्टर राजेंद्र जी जासू ने इस बात का उल्लेख किया है कि जो ये रित है ये रिवर्सेबल ट्रुथ है, यद्यपि और विद्वानों ने रित का अर्थ यूनिवर्सल ट्रुथ किया है परंतु डॉक्टर भगवान दास ने इसका रिवर्सेबल ट्रुथ अर्थ किया है। कैसे? ये देखने वाली बात है कि रित सत्य की अपेक्षा सूक्ष्म होता है। डॉक्टर भगवान दास कहते हैं सूक्ष्म है और रित के बिना सत्य असंभव है, यदि रित नहीं है तो सत्य भी नहीं है, रित सत्य से अलग नहीं है। और कहते हैं और नहीं सत्य रित से, दोनों के भाव में अंतर है, दोनों के भाव में अंतर है, वैसे अंतर नहीं है। कैसे है कि सत्य में दो चीजें होती हैं, सत्य में ऑब्जेक्ट भी होता है और इवेंट भी होता है, लेकिन रित में केवल क्रिया होती है, केवल क्रिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सत्य में दो चीजें हैं, एक है ऑब्जेक्ट एक है इवेंट। अब रित क्या है? रित ये है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये रित है, इसको रित कहा डॉक्टर भगवान दास ने। तो फिर सत्य क्या हो गया? सत्य ये हुआ कि रामचंद्र तोमर नामक व्यक्ति पैदा हुआ और उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि रामचंद्र तोमर नामक जो एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जन्म होना और उसकी मृत्यु होना ये क्या इवेंट है। तो ऑब्जेक्ट और इवेंट ये दोनों है, इसलिए ये सत्य है। हर मनुष्य जो पैदा होता है वह मरेगा, क्योंकि हमने दुनिया के अंदर देखा है एक्स वाई जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है पैदा हुए हैं और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये रित और सत्य में सूक्ष्म भेद है, यही आपको यहां समझना है। ये एक व्याख्या मैंने आपके समक्ष रखी है कि रित और सत्य की जो है। अब कहने का मतलब ये है कि रित और सत्य स्थिर रहने वाले और अस्थिर, जो स्थिर रहने वाले नहीं है, ये दोनों अभिधात तपसः, अभिधात बोलते हैं अति प्रकाशित। अति प्रकाशित क्या? तप या ज्ञान, तप या ज्ञान। इसको उपनिषदों में कहा यस्य ज्ञानमयं तपः, यस्य ज्ञानमयं तपः अर्थात इंटेंस कॉग्निशनल एक्टिविटी, कि परमात्मा के अभिद्ध तप से अध्यजायत उत्पन्न हुआ। ये गतिशील और अगतिशील अर्थात ऋतात्मक जगत और सत्यात्मक जगत, ये दोनों परमात्मा के इंटेंस, ये आपके इंटेंस कॉग्निशनल एक्टिविटी से ये पैदा हुए हैं, अर्थात यस्य ज्ञानमयं तपः। फिर कहते हैं ततः माने इसके बाद, इसके बाद कि गतिशील और अगतिशील इन दोनों जगत के बाद, है ना, फिर क्या हुआ कि ततः रात्रि अजायत। ततः कहते हैं जगत, जगत कौन सा? ब्रह्म दिन, दिन कहते हैं ये सृष्टि को और रात्रि कहते हैं प्रलय को। जितना ड्यूरेशन इस सृष्टि का है उतना ही ड्यूरेशन इसके प्रलय का भी है। 1000 चतुर्युगियों के पश्चात तब ये क्या आता है कि ये जगत आता। ततः, ततः, ततः माने फिर, है ना, कहते हैं ये जगत अतः ब्रह्म दिन के पश्चात, है ना, ततः माने ब्रह्म दिन के पास जो गतिशील और अगतिशील जगत है
वह क्या हो गया, एक ब्रह्म दिन हो गया। इस ब्रह्म दिन के पश्चात डार्कनेस ऑफ डेल्यूज जो है, जो ये जो प्रलय है वह उत्पन्न हुआ, रात्रि अजायत। यहाँ रात्रि का मतलब ये रात्रि नहीं है जिसमें हम सोते हैं, यद्यपि कुछ विद्वानों ने साइंटिफिक चिंतन करते हुए रात्रि का अर्थ देने के अर्थ में घटाया है, वैसे भी रा जो है जो सुख को देने वाली है, जब मनुष्य सोते हैं थक करके रात्रि में तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, थकावट दूर होती है, तो दान के अर्थ में है रा, दाने अर्थ वाली धातु से भी कुछ लोगों ने इस रात्रि शब्द को बनाया। यद्यपि यहाँ ऐसा मैं नहीं मानता इस चीज को, लेकिन उनका अपना चिंतन है, कुछ उन्हें घटाया है, अभी मैं चर्चा करूंगा इसकी आगे जाए। फिर कहते हैं उसके पश्चात फिर क्या हुआ कि ततः प्रलय रूपी रात्रि के पश्चात अर्थात 1000 चतुर्युगियों के पश्चात क्या हुआ कि समुद्र अर्णव, समुद्र अर्णव, ये वो समुद्र नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये जो इस पृथ्वी पर समुद्र दिखाई देता है वो नहीं है। समुद्र का मतलब क्या है यहां पर कि जो जो प्रकृति के मूल तत्वों का जो समूह है, समुद्र का मतलब पृथ्वी के इसके जो मूल तत्व समूह है वह उसका नाम है, अर्थात परम पुरुष की जो इच्छा है, परम पुरुष की इच्छा, इच्छा माने सर्जन विचार, इक्षण शक्ति, जिसको अभिद्य तप अभी हमने इस सूक्त में कहा है, उस विचार से प्रकृति में जो प्रथम क्षोभ पैदा होता है, जो विचलन पैदा होता है, आपने देखा होगा शांत सरोवर में बच्चे जब कोई कंकड़ उठा करके उसको फेंकते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस पैदा होती है, उसमें क्षोभ पैदा होता है। तो परमात्मा के ईक्षण से अर्थात ईक्षण का, ईक्षा का मतलब जो सर्जन विचार, अभिद्य तप कह लीजिए इसको, उसे प्रकृति में जो पहला क्षोभ, क्षोभ माने गति, गति उत्पन्न होती है, वह सर्गकालीन प्रथम स्थिति है और इसी को ही अर्णव समुद्र के नाम से इस सूक्त के अंदर वर्णित किया गया है। समुद्र और अर्णव इन दोनों पदों से इसी बात को कहा गया है, जो ये प्रकृति के मूल तत्वों का समूह और अर्णव माने जिसमें गति उत्पन्न हो गई है, अर्थात जो गतिमान हुआ है, रिगतौ धातु से अर्णव बना जो है। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रकृति के मूल तत्वों का समूह और गतिशील उत्पन्न हुआ, अर्थात गतिमान हुआ, कब हुआ, इस प्रलय के बाद, प्रलय के बाद जब सृष्टि की बिगनिंग हुई, प्रलय के बाद रात्रि का वर्णन है ना, एक्चुअल में शुरू की जो पंक्ति है, शुरू के जो दो चरण है, अनुष्टुप छंद है इस पूरे सूक्त के अंदर जो है ये, तो कहते हैं कि वह तो एक सामान्य रूप से बात बताई गई ऋतु और सत्य के विषय में, असली जिस कल्प में हम रह रहे हैं, जिस कल्प की हम बात कर रहे हैं वो यहां से प्रारंभ है, ततः समुद्रो अर्णव, ततः माने इस प्रलयकालीन रात्रि के पश्चात में क्या हुआ कि इसमें ये पैदा हुआ कि जो तत्वों का समूह है, जैसे सांख्य जो है सत्व रजस तम साम साम्यवस्था प्रकृति बोलता है, उस साम्यवस्था में अर्थात सत्व रजस उस तमस, यदि सांख्य की दृष्टि से मैं कहूं, इसमें विक्षोभ पैदा हो गया, अर्णव पैदा हुआ। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, ये एक पहला मंत्र का अर्थ हुआ इसका। इसके बाद फिर समुद्राद अर्णवाद अधि, कहते मूल तत्व समूह से और गतिशीलता से, समुद्राद अर्णवात, मूल तत्वों समूह से अर्णवात और उसमें गतिमत्ता से, अपि अधि माने ऊपर अर्थात पश्चात, क्या हुआ संवत्सर, ये उत्पन्न होने वाला जगत का जो योनि रूप महद अंड है, संवत्सर का मतलब एन वर्ष नहीं है, अर्थात उत्पन्न होने वाले जगत का योनि रूप महद अंड। अब आप कहोगे बड़ी विचित्र बात है, अब जब इसके इसमें मूल में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सम और वस, सम और वस और सर, ये तीन है, सम उपसर्ग पूर्वक
वस और सर इन दोनों को मिलाते हैं, अर्थात अंडाकार स्थिति में क्रम से है लोक लोकांतरों का जो निर्माण होता है। अंडाकार स्थिति में जो है जब गति होती है, गति आई तो अंडाकार रूप में जो है घूमना शुरू कर दिया जो है, और उससे जो है निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई जो है। जगत सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण के अंतर्गत, सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण के अंतर्गत संवत्सर शब्द ये वेद का एक पारिभाषिक शब्द है और संबंधित शास्त्र की परिभाषाओं को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक मंत्रों का या उन सूत्रों का अर्थ आपके समझ में नहीं आ सकता। व्याकरण की गुण और वृद्धि इनको आप व्याकरण की दृष्टि से ही समझ सकते हैं। लोक में गुण और वृद्धि को यदि घटाओगे आप तो वह वहां अन्याय हो जाएगा। यदि दार्शनिक जगत के जो गुण हैं वो व्याकरण के गुण नहीं हो सकते जो है, इसलिए वेद की टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत ये पारिभाषिक शब्द है जो कि एक अंडाकार स्थिति को बता रहा है। प्रकृति में गति उत्पन्न होने से जो प्राकृत मूल तत्व अंडाकार स्थिति में आ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? संवत्सर बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि समुद्रादर्णवाद संवत्सरो अजायता, अर्थात एक प्रकार से वो संवत्सर जिसको हिरण्यगर्भ सूक्त में हिरण्यगर्भ के नाम से कहा गया, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे जो है इस सूक्त में उसको हिरण्यगर्भ कहा गया है। पंडित भगवद्दत्त रिसर्च स्कॉलर ने इनका अर्थ नेबुला किया है, मॉडर्न साइंस के दृष्टि से जिसको नेबुला कहा जाता है उसको उसका अर्थ किया है। और पुरुष सूक्त के अंदर विराट इसको कहा गया विराट, और जो आज का जो दर्शन जगत है जिसको महतो अहंकार बोलता है, मह तत्व से अहंकार पैदा हुआ, तो वैदिक वाङ्मय के अंदर अंतर्गत इनका वर्णन प्राप्त होता है। यहां तक कि मनुस्मृति में भी इस सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है, शतपथ ब्राह्मण में भी इसका वर्णन है जो ये। तो इन शब्दों से जो चीज व्यवहित होती है समस्त वैदिक वाङ्मय में बिखरे हुए रूप में इसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो कहते हैं ऐसे उन मूल तत्व समूह से उस गतिशील से क्या हुआ, संवत्सर अर्थात उत्पन्न होने वाले जगत का जो योनि रूप में महद अंड है, जो नेबुला है, जो हिरण्यगर्भ है, जो विराट है, वह अजायत वह उत्पन्न हुआ। और उसके पश्चात अहोरात्राणी, इसी प्रकार से अहोर दिन और रात, कौन से दिन और रात? ब्रह्म दिन अर्थात ब्रह्म रात्रि, अर्थात पूरा का पूरा एक कल्प और पूरा का पूरा एक प्रलय का, जितना प्रलय का ड्यूरेशन है वह विदादत्त माने बनाया। किसने बनाया इस बात को इन इस अंतिम चरण में कहा है इस द्वितीय मंत्र के, मिशतो वशी का अर्थ होता है विश्वस्य माने सबके, मिशतः सुगमता से वशी वश में करने वाले प्रभु ने, जो करता है इसमें वो विश्वस्य मिशतः वशी है, अर्थात सुगमता से सरलता से सबको वश में करने वाले प्रभु ने उस मूल तत्व समूह से उस गतिशीलता से एक महत अंडकार उत्पन्न किया, और उसी महद अंड से जो है ये सृष्टि और प्रलय वो पैदा हो रहा, अर्थात 1000 चतुर्युगियों को जो है 1000 चतुर्युगियों का रात्रि जिसको प्रलय बोलते हैं ये पैदा की। फिर तीसरे मंत्र में बात कही जो है, क्या कही तीसरे मंत्र के अंतर्गत, कि सूर्य चंद्रमा सौ धाता यथा पूर्व कल्पय, कि सूर्य और चंद्रमा कैसे किसके अंदर थे, उस महद अंड के भीतर थे, उस हिरण्य गर्भ के अंदर थे। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का मतलब केवल ये दिखने वाला सूर्य नहीं है, अर्थात जो प्रकाशक है, सूर्य का मतलब प्रकाशक, और चंद्रमा माने प्रकाश्य, अर्थात जो
इससे प्रकाश लेकर के प्रकाशित होते हैं। एक है प्रकाशक, एक है प्रकाश्य। प्रकाशक प्रकाश से भाव संबंध इनमें है, अर्थात प्रकाशक लोक और प्रकाश्य लोकों को क्या किया, यथा पूर्वम जैसे पहले कल्प में बनाया था वैसे ही अकल्पयात इस कल्प में भी उस इस संसार को धारण करने वाले विश्वस्य मिषतावशी उस परमपिता परमात्मा ने बनाया जो है। और फिर इसके पश्चात क्या किया, दिवम। दिवम कहते हैं जो चमकीले लोक हैं, जो द्युलोक हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं जो चमक रहे हैं, ऐसे उन लोकों को और पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब केवल ये पृथ्वी नहीं है, अर्थात विस्तीर्ण फैली हुई, अर्थात जो विस्तीर्ण महान प्रकाश्य लोक हैं उनको, और अंतरिक्षम, अंतरा कहते हैं मध्य में ईक्षा जो दिखाई देता है, जो बीच में खाली जगह दिखाई देती है, जो आकाश दिखाई देता है उसको, और अथा माने इसके बाद अनंतर स्व। स्व कहते हैं जो गतिशील है, गतिशील पिंड है, जो उल्का आदि पिंड है, उन उल्का आदि पिंडों का निर्माण किया। ये मनुष्य के सामने ये स्थिति है इन तीन मंत्रों के अंदर, तुम तो मरोगे और जीवित होगे, सृष्टि इतने वर्षों तक रहेगी, इतने वर्षों बाद फिर होगी, ये आवागमन का चक्र लगा रहेगा, फिर क्यों अहंकार पैदा करते हो, क्यों आपस में लड़ते झगड़ते हो, हे संसार के लोगों, एक ह्यूमन सोसाइटी के लोगों, तुमको ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने इस संसार को बनाए, कि ब्रह्मांड की रचना की है, हम तो एक जल की समुद्र में पड़ी हुई एक जल की बूंद की भांति भी बड़ी मुश्किल से हमारी सत्ता दिखाई देती है, इसलिए उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करो रित्य और सत्य के रूप में, समुद्र अर्णव को पहचानो आप, संवत्सर जो महदंडाकारी स्थिति है हिरण्यगर्भ रूप है उसको पहचानो जो है, ये इन सबको कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोलर है विश्व समिषत वशी वो परमपिता परमात्मा है। वैदिक ज्ञान भी जो है परमात्मा ने ही पैदा किया है, इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि परमात्मा की सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको न माने। संसार के अंदर हमको चाहे अनचाहे कैसे भी हो, चाहे हम शिक्षित हैं चाहे हम अशिक्षित हैं, हमको कभी भी कृतघ्न नहीं होना चाहिए। यदि कोई हमारे ऊपर उपकार करता है तो हम उसका एहसान मानते हैं, एहसान मंद होते हैं, हम एहसान फरामोश नहीं होते हैं। और उस परमात्मा ने तो हमको सब कुछ दिया है, फिर भी हम उसको दोष देते रहते हैं, इसलिए हमको इस पर विचार करना चाहिए। माधु छंदस अघमर्षण जो ऋषि है, जो इस सूक्त का मंत्रार्थ का दृष्टा है, उसका नाम मधु छंदस है, लेकिन इन मंत्रों का पाठ करते करते, अर्थ का चिंतन करते करते, उसके अंदर से अघ जो पाप था, जो मानसिक पाप थे, उनका मर्षण हो गया, इसलिए उसका नाम अघमर्षण पड़ गया। हम भी अघमर्षण ऋषि की कोटि में आ सकते हैं। ये स्थिति बहुत उच्च कोटि की स्थिति होती है, जब व्यक्ति प्रकृति की गोद में बैठ करके, इस लेबोरेटरी में, नेचुरल लेबोरेटरी में बैठ करके, पेड़ पौधों के नीचे बैठ करके जब चिंतन करता है, तब उसको ये अर्थ खुलते हैं। अब मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से, दूसरे तरीके से इस रित के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। आपने वैज्ञानिक ईरा एम फ्रीमन का नाम सुना होगा। ईरा एम फ्रीमन ये अमेरिकन साइंटिस्ट हुई हैं, फिजिसिस्ट हैं, ये भौतिक विज्ञान वेत्ता हैं। उनकी एक पुस्तक है मॉडर्न इंट्रोडक्टरी फिजिक्स, ये 1949 में छपी, उसमें एक स्टांजा है, उसको मैं आपके समक्ष उद्धृत करना चाहता हूं। अब देखिए, उसने कोई वेद मंत्र नहीं पढ़ा, इस वैदिक सूक्त को वो नहीं जानती, लेकिन वेद की बात वो करती है। साइंटिस्ट भी इस बात को कहते हैं, देखिए लिखती है, एज फार एज वी कैन टेल द अल्टीमेट स्टेट ऑफ द यूनिवर्स
मे बी वन इन विच द होल वास्ट ओशियन ऑफ एनर्जी इज एट वन लेवल विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फर्दर चेंज अनलेस सम एजेंसी वी नो नथिंग अबाउट एट प्रेजेंट एक्ट्स टू वाइंड अप द मैकेनिज्म अगेन। इसका अर्थ है कि हम कह सकते हैं कि यह विश्व की अंतिम अवस्था वह होगी जिस समय एनर्जी का अर्णव अर्थात महासागर समतल हो जाएगा, अर्थात समतल जिसमें पानी खड़ा हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है, एक स्थिति वाला हो जाता है, यह समतल जैसा हो जाएगा, इनमें आगे कोई हलचल व परिवर्तन नहीं हो सकेगा जब तक कोई अन्य प्रेरक शक्ति इस विश्व की कला को पुनः नहीं घुमा देगी। अब देखिए पूरा वही है, ये जो जो इसमें कहा है, किसमें कहा है, इस सूक्त के अंदर, कि जो ये समुद्र अर्णव है इनमें जो अर्णव पना है, इनमें जो गति नहीं पैदा कर देता जो है ये उस अभिद्ध तप से, जो है ये कोई ऐसी शक्ति है जो इसमें हलचल पैदा करती है, विक्षोभ पैदा करती है, उस विक्षोभ पैदा करने की बात यह फिजिसिस्ट कुमारी इरा एम फ्रीमन कर रही है। इसने वेद को नहीं पढ़ा, वेद को ये नहीं जानती, लेकिन वेद की ही बात ये कर रही है। दो महत्वपूर्ण बातें ये इरा कह रही हैं कि विश्व की अंतिम अवस्था की जड़ीभूत प्राण के महासागर की उपमा, महासागर का प्राण से उपमा दी है इन्होंने, जो है परमाणुओं की नहीं दी। साइंटिस्ट लोग बदलते हैं कि पहले 62 तत्व थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह की बात करते थे, अब एनर्जी पर आ गए हैं जो ये, तो कहते हैं कि परमाणुओं की नहीं। दूसरा, प्रकृति निष्क्रिय जड़ मानकर इसे पुनः हलचल उत्पन्न करने के लिए इससे भिन्न किसी प्रेरक शक्ति को मानना स्वीकार कर रही है ये साइंटिस्ट जो है ये। और हम कह रहे हैं विश्वस्य मिषतो वशी, विश्व को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला बड़ी सुगमता से, जबरदस्ती नहीं, सुगमता से जो है ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम उसको ऐसा बोल रहे हैं जो ये। तो कहने का मतलब ये है, ये चीज हम संध्या के इन मंत्रों में जो ऋतंच सत्यंचाभिधातप्स्वध्य जायता, हम प्रतिदिन दो बार बैठ करके इस बात का उच्चारण करते हैं जिस बात को ये अमेरिका की साइंटिस्ट 1949 में ये बात जो कर रही है। अब समझने की बात ये है कि ये जो एक प्रकार की जो जो ये समुद्र अर्णव है हमारा जो है ये, इसमें जो ये विक्षोभ पैदा करने वाली बात कही जा रही है, सारा का सारा जो हमारा दर्शन है यहीं से ही प्रारंभ होता है। बहुत से दर्शनों का जो विषय है वो यही है, जो सांख्य दर्शन है, बहुत से लोगों ने इसको नास्तिक दर्शन की उपमा दे दी जो है। ईश्वर को का वर्णन करना सांख्य का विषय नहीं है, यद्यपि सांख्य दर्शन के अंदर कुछ सूत्र हैं कि सर्वस्य कर्ता से ईश्वर है सर्वस्य कर्ता, इस तरह के सूत्र हैं, इदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धा, ये दो सूत्र उसमें आते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने सांख्य को जो है वह नास्तिक दर्शन सिद्ध कर दिया। और वार्षगण्य इसका सबसे बड़ा जो दोषी है, वार्षगण्य सांख्य आचार्य है, जिसने सांख्य फिलोसफी को, जो इतनी बड़ी आस्तिक फिलोसफी थी, जिसने 25 तत्वों को आधार बना करके अपनी बात को रखा, ईश्वर की सिद्धि करना उसका उद्देश्य नहीं था, और वेद इसी बात को कह रहा, वेद के सूत्रों को लेकर के इन दर्शनों ने अपनी बात को रखा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इन सूक्तों को बड़ी गहराई से देखना चाहिए। जब तक हम इन सूक्तों को गहराई से चिंतन नहीं करेंगे, वेद की पारिभाषिक शब्दावली हमको समझ में नहीं आएगी। अभिधा वृत्ति से वेद पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकता जो है। वेद का स्पष्ट ज्ञान सत्य में जब रित, अब दूसरी दृष्टि से देखिए, सत्य को जब यदि हम प्रकृति मान लें और उसमें जब रित अर्थात रोटेशन नहीं पैदा होगा, रोटेशन को जब तक हम अधिष्ठित नहीं करेंगे,
तब तक संसार का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ नहीं हो सकती जो है ये। कदाचित कई लोगों के अनुसार इस सूक्त में जो रित और सत्य है वो दोनों शब्द इस बात को भी द्योतित करते हैं, सत्य माने प्रकृति और प्रकृति में रित माने जो गतिशीलता है, जो उसमें रोटेशन है, वो जब तक नहीं होगा सृष्टि का प्रारंभ नहीं होगा, सृष्टि में भ्रमर जब तक पैदा नहीं होगा तब तक जो है ये हमारा काम नहीं चलेगा। मैंने मेरठ के अंदर नौचंदी के मेले में मौत के कुएं में एक मोटरसाइकिल चलते हुए देखी, मैंने टिकट लेकर के उस शो को देखा। वास्तव में मौत का कुआं डर लगता है, लेकिन उस मोटरसाइकिल में जब तक गति रहती है, उसमें मोशन है, गति है, तब तक वह घूमती रहती है, तब तक इसका मतलब ये खड़ी रहती है, और जब उसमें गति धीमी होनी शुरू होती है, वो गिरनी प्रारंभ हो जाती है, तो वह मोटरसाइकिल चलाने वाला अजय दरवाजा खुलता उससे बाहर निकल जाता है। छोटे छोटे बच्चे लट्टू चलाते, लकड़ी का लट्टू रस्सी बांध करके जो है, और उस लट्टू में जब तक गति रहती है, उसमें रोटेशन रहता है, तब तक वह खड़ा रहता है। जब वो रोटेशन जो है कम होना शुरू होता है, वो गिरना प्रारंभ करता है। इस प्रकृति में परमपिता परमात्मा ने उस विश्व सहमिशतो वशी ने ये रोटेशन पैदा किया, उसने रित पैदा किया जो है, जिसको आप बहुत से जो विद्वान है यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम से बोलते हैं, तो कहते हैं ये सृष्टि की सत्ता हमको दिखाई देती है, ये यूनिवर्स इस प्रत्यक्ष हमको दिखाई देता है। ये इस तरह के विचार हमको देखने को मिलते हैं, और यही बात आइंस्टीन ने भी, आइंस्टीन से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी हमको देखने को मिलती है, पारस्परिक जो गति का सिद्धांत है जो है कि सब नक्षत्र घूम रहे हैं, कोई भी खड़ा नहीं है, ये भी घूम रहा है, ये जो पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा सूर्य सब परिक्रमा कर रहे हैं, ये रोटेशन किसने पैदा किया, ये रोटेशन पैदा करने वाली विश्व से मिशता वसी जो शक्ति है परमपिता परमात्मा, उसने पैदा किया। आज का साइंटिस्ट इस बात को लेकर के परेशान है, कहीं हिग्स बोसोन की खोज करता है, कहीं बड़े बड़े यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके जो है विस्फोट बिग बैंग आदि के माध्यम से जो है देखता है, वो जो बड़े बड़े बड़ा बहुत मोटा पैसा खर्च करके जो है जमीन के अंदर प्रयोगशालाएं उसने खोल करके इन चीजों को देखा है। कदाचित इन तथ्यों को हम उन वैज्ञानिकों के सामने रखें, उनसे चर्चा परिचर्चा करें, उनकी बात को हम सीखें, अपनी पारिभाषिक शब्दावली को उनको समझाएं, कदाचित ये बात समझ में आ सकती है कि इसमें रोटेशन पैदा करने वाला, वो तो साइंटिस्ट तो लहर के रूप में स्वीकार करते, मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था कि लहर के रूप में, लेकिन वेद उसको रोटेशन एक रित के रूप में मानता है जो है। तो ये थोड़े से विचार मैंने आपके समक्ष रखे हैं कि ये जो स्थिति है रित की जो है ये, और जो सलिल की मैंने बात की जो है ये सलिल भी क्या है कि जिसमें जिसमें गति है, शल गतौ धातु से सलिल बनता है, जो सलिलो प्रथमजारितस्य जो है ये, अर्थात अथर्वेद में आता है कि विश्व की उत्पत्ति का जो विषय है, अर्थात ब्रह्म जो ब्रह्म है, अर्थात जो ब्रह्मांड में जो ब्रह्म पहला है, पहला जो ब्रह्म शब्द पहले है अंड बाद में है, कहते हैं विश्व की उत्पत्ति इसे, अर्थात उसमें जो पहला प्रथमजारितस्य, जो रित की प्रथमजा है वो क्या है, वो गति है, सलिल है वो जो है ये, वह इस रित के माध्यम से इस गति के विषय में बताता है। यह सूक्त बहुत सारी बातें हमारे हमारे सामने रखता है। ये मैंने कुछ थोड़े से विचार आपके समक्ष रखे हैं। आचार्य श्री मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो जो है अब आ गई हैं, उनका मतलब ये है कि समय पूरा हो रहा है। मैंने इन तीन मंत्रों के माध्यम से, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो पल्लव ग्राही हूँ, मैंने बहुत सारे विद्वानों को देखा है, मैं कोई साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन साइंस मुझे अच्छी लगती है, साइंस के थॉट्स मुझे अच्छे लगते हैं, पढ़ता रहता हूँ, वही मैंने थोड़ा सा विचार आपके समक्ष रखा। मैंने वैदिक संध्या के माध्यम से वैदिक संध्या की भी बातें आपके समक्ष रखी हैं, क्यों इस सूक्त का विनियोग इसमें किया गया, आगे क्या होता है, मर्शन क्या होता है, और इन तीन मंत्रों के अंदर सृष्टि की एग्जिस्टेंस को जो बताया गया है वो भी मैंने आपके समक्ष रखी है। मुझे लगता है आपको मेरे विचार जरूर पसंद आए होंगे, और यदि विचार पसंद आए होंगे
तो मुझे बहुत खुशी होगी, और यदि समय में नहीं आए तो हम फिर समझने की कोशिश करेंगे, आपके समक्ष फिर दोबारा से उन बातों को रखने की कोशिश करेंगे। मैं आचार्य श्री का और डॉक्टर शशि तिवारी जी का, प्रवेश सक्सेना जी का, संतोष कपूर जी का और जो भी महानुभाव हैं, मैं नाम से नहीं जान रहा हूं क्योंकि यहाँ पूरी लिस्ट आ रही है, तो अपनी वाणी को बंद। धन्यवाद जी आचार्य जी, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रोचक प्रसंग उठाया और रोचकता के साथ इस प्रसंग को आपने समाप्त भी किया, सभी बिंदुओं को आपने स्पर्श किया। ये एक स्वाध्यायशील विद्वान का ही परिचय होता है। तो विषय तो गंभीर था, जो प्रबुद्ध चिंतक हैं कुछ प्रश्न रखना चाहें रखें, सामान्य जो चिंतक हैं वो अभी प्रश्न न रखें क्योंकि विषय गंभीर है, हर शब्द की परिभाषा आपको जाननी जरूरी है। तो प्रबुद्ध पाठकों से निवेदन है आचार्य से कुछ प्रश्न रखें जिन विषयों को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यदि मैं संभव हुआ तो दूंगा और यदि उत्तर नहीं बनेगा तो हाथ जोड़ लूंगा। ये विद्वत संसद है, निराशा नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, विद्वान है जुड़े हुए। मैं डॉक्टर उर्मिला रुस्तगी, आपसे सबसे पहले तो आपको क्या कहूँ, बधाई दूं, धन्यवाद करूं। बहन जी नमस्ते, नमस्ते बहन जी, नमस्ते उर्मिल जी को, नमस्ते। नमस्कार जी, आपकी कविता पढ़ता रहता हूँ मैं, आपने मुझे पुस्तक दी है। अच्छा। तो डॉक्टर दिनेश जी, मैं आपका वाकई में धन्यवाद करती हूँ कि हमें आपको सुनने का सौभाग्य मिला और एक गहरी व्याख्या जो है बहुत दिनों बाद सुनने को मिली है ईमानदारी से। थैंक यू। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो संवत्सर का अर्थ आपने हिरण्यगर्भ लिया है मोटे तौर पे, जी जी, उसमें क्या ढूंढ के, वत्स ढूंढ के लिया है, वत्समराति या किस तरह से लिया है, और इस तरह समुद्र का अर्थ, अर्णव का तो ऋण का तो उसे बता दिया आपने, समुद्र का अर्थ किस तरह लिया है, एक, और दूसरा जो सूर्य और चंद्रमा का आपने बताया, प्रकाशक और प्रकाश्यमान, जी जी जी, तो वो तो एक थ्योरी भी है कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी से ही प्रकाशित होता है, जी जी, ये भाव है इसमें, बिल्कुल, मैं ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ, निवेदन जी 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 बहन जी, बताएं जी बहन जी, ये जो मैंने अर्थ किया है ये पंडित मीमांसक जी ने साबर भाष्य में इन चीजों को स्पष्ट किया है, जो सम और वस, वस अर्थात वस निवासे है ना, निवास से है, अर्थात जिसमें ये चीज छिपी हुई है, जो पंडित जी ने जो अर्थ किया है जिसमें ये चीजें छिपी हुई है, जो है तो इस रूप में उन्होंने लिया है पंडित जी ने, जो है ये कि उत्पन्न होने वाले, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसमें सम वस अर्थात महद अंड को संवत्सर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बीज रूप में है, बीज रूप में जो चीजें छिपी हुई हैं, जैसे कोई एक बीज होता है और उसके अंदर बहुत बड़ा एक वट का वृक्ष छिपा हुआ है उस बीज में, जो उसमें उसमें है, इस अर्थ में जो है इसका संवत्सर का अर्थ किया गया। और दूसरा आपने जो पूछा समुद्र, समुद्र अर्थात जो समूह है, तत्व समूह जो साम्यवस्था प्रकृति है, सत्व रज तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उसी से ही, वहां भी यहीं से ही अर्थ किया है ये, कि एक जहां चीजें इकट्ठी हैं, ये समुद्र रत्नाकर के नाम से बोला जाता है, उसमें बहुत सी चीजें हैं वो छिपी हुई हैं उसके अंदर, ऐसे ही इसका अर्थ उन्होंने ये लिया है। तो ये पारिभाषिक शब्द है, लोक की दृष्टि से इसका ये अर्थ नहीं हो सकता जो है ये। और डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी कुछ कुछ इसी प्रकार का प्रकाश डाला है अपने जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो सत्यकाम जी के साथ उन्होंने किया, उन्होंने भी इसी तरह कुछ हिंट किया है जो है। तो जो इस चीज को ये उन्होंने ही किया जो साइंटिफिक चिंतन करते हैं, जो है
और जिनका साइंटिफिक चिंतन नहीं है वो कुछ पीछे हटते हैं इस मामले में जो है, क्योंकि नहीं तो इसमें क्रमभंग दोष है। मैंने प्रारंभी बहन जी कहा था कि नहीं तो क्रमभंग दोष हो जाएगा, तो क्रमभंग दोष न हो इसलिए भी ये आवश्यक है कि इनका ये अर्थ होना चाहिए। और तीसरी बात क्या थी बहन जी? वो तो ये था सूर्य और चंद्र का जो प्रकाशक और प्रकाशित कहा ना आपने। हाँ। तो वो तो एक फैक्ट है ही कि सूर्य की रोशनी से चंद्र प्रकाशित होता है, वही भाव है या कि कोई और भाव है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये बहन जी, नहीं भाव वही है, और इस यूनिवर्स में अनेक चंद्रमा अनेक सूर्य है, केवल एक ही नहीं है जो ये। इसलिए कि और जितने भी प्रकाशक और प्रकाश्य लोक हैं उन उनका ग्रहण इससे है जो है। ये धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी व्याख्या थी। थैंक यू बहनजी, थैंक यू थैंक यू। मैं पुनः पुनः आपको बधाई क्या दूं, बस शब्दों से समझ लीजिए, आशीर्वाद दीजिए आप तो। और प्रबंध पाठक जो है, हाँ आप पूछ सकते हैं खेरा साहब जी। मैंने चैट में लिखा था, क्या हम रित को प्राकृतिक नियम और सत्य को जीव संबंधी नियम मान सकते हैं, क्योंकि ये भी तो ईश्वर के ज्ञान से ही तो उत्पन्न हुए हैं। आप मान सकते हो, डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने भी कहीं लिखा है ये। हाँ। जो आप कह रहे हो डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने भी हिंट किया है। हाँ। तो इसलिए हाँ, आपने नहीं सर, ये औरों ने भी किया। तो मैं शुरू में कह चुका हूं, अपनी अपनी दृष्टि है। जैसे आप दो शब्द हैं, एक है ऋतु एक है ऋत्विक। ऋत्विक शब्दों की मीनिंग नहीं क्लियर हो रहे थे, किसी ने बोला तो हमने मान लिया, मतलब नहीं था, तो हमने मान लिया और लॉजिकली एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। देखिए मैं आपको बताऊं, दो शब्द हैं, एक है ऋतु एक है ऋत्विक। ऋत्विक शब्द ऋग्वेद के पहले जो मंत्र है उसी में आता है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजाम ऋत्विजाम। अर्थात जो नियमानुसार काम कर, ऋतु का मतलब है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो क्रम से है एक सिस्टमेटिकल एक नियम के अनुसार जो आती है वो क्या होती है, वो ऋतु होती है। ठीक है ना? अर्थात जिसमें नियमबद्धता दिखाई देता, जिसमें नियमबद्धता है, चाहे वो प्राकृतिक नियमबद्धता है, चाहे वो सामाजिक नियमबद्धता है, चाहे आप उसको प्राकृतिक कहें चाहे नैमित्तिक कहें, नियमबद्धता है ना। तो जहां भी नियमबद्धता है वो नियमबद्धता एक प्रकार से अनुशासन में दिखाई देती है। अनुशासन का मतलब नियमबद्ध होना जो है। तो ये हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो है। धन्यवाद। तो जो सामाजिक नियम है, जो प्राकृतिक नियम है, नियम तो है ना, लेकिन सूक्ष्म अंतर, मैं शुरू में कह चुका हूं, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, उनके भाव में अंतर होता है, लेकिन मूल एक ही है जी। नमस्ते, धन्यवाद। तो रित को तो हम शाश्वत सत्य के रूप में मानते हैं। हाँ, मानते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे कि पानी को का बहाव नीचे की ओर ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल, सूर्य बिल्कुल। अपने टाइम पे उगेगा, अस्त होगा, चंद्रमा ऑल दैट। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में ही मानते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये है। लेकिन जहां बहन जी ये दोनों शब्द वेद में आएंगे, मैंने जो मंगलाचरण बोला, शन्नो मित्र है संवरुण, ये इसमें नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तुमे प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, यहाँ भी जो है उपनिषद का ऋषि ये बात को बोल रहा है। तो जहां भी ऋतु और सत्य दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो वहां उनके भाव में अंतर आएगा, जो वहां कुछ विशेष कहना चाहता है ऋषि। ये तो बहुत अच्छी खोज है जी जी, थैंक यू। ऋतु और सत्य जब साथ आते हैं, हाँ, तो ये एक अर्थ नहीं होगा, उनमें अंतर होगा जो है, और कुछ विशेष बात को कहना चाहता है ऋषि। हाँ, बहुत सुंदर, थैंक यू भंजी, दोनों का विशेष धन्यवाद। अब निवेदन है शशि मैडम जी, प्रवेश मैडम जी, आप प्रश्न रखना चाहें आचार्य जी के समक्ष, प्रश्न रखें या समीक्षा करना चाहें करें। जो प्रबुद्ध पाठक है उनके लिए आज का ये सत्र है। बीच में बोलने का क्या तरीका वो मुझे पता नहीं था, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य आपका था, और ये जो आपकी चर्चा हो रही थी डॉक्टर उर्मिल जी के साथ में,
वो संवत्सर को लेकर उस विषय में मेरे कुछ और विचार भी आ रहे थे। जी जी। तो आपने बोला हिरण्यगर्भ से उसको मिलाया या कि विराट से मिलाया, तो विराट आ जाए तो पुरुष सूक्त में या हिरण्यगर्भ संवर्तक अग्रे, संवर्तक भी कह रहा और अग्रे मतलब सबसे पहले वो हुआ, उधर विराट आ जाए तो विराट हुआ। तो यहाँ पर संवत्सर को वो माना तत्व बिल्कुल उपयुक्त है। और आपको ध्यान होगा संवत्सर समय का वाचक है, काल का वाचक है, और काल जो है वो प्रजापति कहलाता है। और हिरण्यगर्भ सूक्त के अंतिम भाग में हिरण्यगर्भ को ही प्रजापति भी बोला गया है, और बाद में अथर्ववेद में तो प्रजापति बहुत बोल कहा गया है। तो इसलिए भी काल और काल संवत्सर या कि प्रजापति वो जो पहला तत्व है जिससे कि सृष्टि या सर्जन होने वाला है, उसका यहाँ ग्रहण करना बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है। और मैं ये सोच रही थी अभी दो तीन बातें मैं कहना चाहती हूँ, अगर डॉक्टर दास अलाउ करें, अनुमति दें। पहली बात कि आपने शुरू में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि आप सिर्फ आदि दैविक व्याख्या करेंगे, वो एक अच्छा अच्छी बात थी, क्योंकि आपने उसी में अपने को रखा और साइंटिफिक अर्थों को ही बताया। क्योंकि जो देव यानी प्रकृति और प्रकृति यानी कि जो नेचर का इस स्टडी किया हुआ है साइंस, उससे आपने मिलाया है। और ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब वेद कोई वेद की सिद्धि नहीं हो रही है, बल्कि उन साइंटिस्ट की वेद से सिद्धि हो रही है, क्योंकि जो कह रहे थे वो शायद हमारे यहाँ पहले से लिखा हुआ था। तो ये बात थी। दूसरा जो आप विक्षोभ की बात कर रहे थे और सांख्य की आपने बात की, वो भी मुझे याद दिला रही थी। आपने वैसे एक साथ बहुत बातें बता दी हैं, बहुत व्यापक आपने अध्ययन किया हुआ है, ये मानना पड़ेगा। जैसे उसमें विक्षोभ होता है तीन गुणों में, तीन गुणों की साम्यावस्था और तीन गुणों का विक्षोभ से सर्जन, तो वो बात यहाँ पर स्मरण मुझे आ रही थी। और वो आपका सही प्रतिपादन है कि सांख्य दर्शन ने वेद से ही लिया है, वेद से ही लिया। और वो जो उसने ईक्षण किया, तो ईक्षण किया में भी ये बात नासदी में भी आई है, और ईक्षण किया प्रजापति ने या जो भी वो पहला तत्व है उसने, तो ये बहुत आपका वैज्ञानिक धरातल पर आपने दिखाया है। लेकिन ऋषि जो अघमर्षण है, कमाल है कि तीन मंत्रों में उन्होंने पूरा वो भाव वृत्तम रख दिया, भावों का वृत्तांत रख दिया जो कि होने वाले हैं। और ये गंभीर था और आदि दैविक था। और जो हमारा नासदीय सूक्त को भी भाव वृत्तम कहते हैं, लेकिन वो अभाव अवस्था का ज्यादा चित्रण कर रहा था, इसलिए उसको थोड़ा आध्यात्मिक भी कह सकते हैं। तो बस यही मुझे कुछ कहना था। और जो मैं समझती हूँ आपने बहुत सुंदर तरह से यहाँ रखा, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। रमेश मैडम जी, आप कुछ अपने विचार दीजिए। डॉक्टर दिनेश जी नमस्कार, प्रवेश लक्सेना बोल रही हूँ। बहन जी चरण स्पर्श, आप अनंता वही वेदा जो कहा जाता है ना, आपने इस सूक्त के माध्यम से हमें बहुत अच्छी तरह समझा दिया। और हम सब जानते हैं कि हमारी एक आकाशगंगा नहीं है, ये एक सोलर सिस्टम नहीं है। साइंस मानती है कि अनोएको अनंत आकाशगंगाएं हैं। और उस इन तीन मंत्रों में आपने जिन शब्दों को हम सामान्य रूप से समझते हैं, हर शब्द को पारिभाषिक बताकर और बड़े लॉजिकल तरीके से, बहुत तार्किक ढंग से आपने जो अपनी व्याख्या रखी, तो मैं अभिभूत हूँ उससे, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उनमें हमें जो इक्वेशंस मिलती हैं वो यही सब सिद्ध करती हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि वो तैतरीय संगीता कहती है संवत्सर हो वही समुद्र, या संवत्सर इदम सर्वम, तो ये सारी जो चीजें वहां स्पष्ट कर देती हैं कि संवत्सर का अर्थ केवल ईयर नहीं है, तो होल क्रिएशन है, और वो भी एक अनंत जो हम सृष्टि की बात करते हैं वो है। तो उसी तरह, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी रित और सत्य, इसमें जो आप हमारे बात बहुत बार कई बार कंफ्यूजन आता था कि हम रित को मान लिया, हमने रित के बहुत सारे आयाम है, रित के बहुत सारे, रित को जल को भी कह देता है वेद, और रित जो है एक रेतावरी या रित से सारे देवता जुड़े हैं। लेकिन आपने जो बताया कि रित और सत्य जहाँ पर है वहां पर ये अर्थ चेतन और अचेतन का हो जाएगा, या
चेतन और जड़ का हो जाएगा, तो ये अर्थ जो है हमेशा आगे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ रित और सत्य दोनों हैं तो वहां पर हमें इसको समझना पड़ेगा। तो बहुत ही विस्तार से बहन जी प्रकरण भी देखना होगा, प्रकरण देखना पड़ेगा, रेफरेंस हाँ बिल्कुल, अदरवाइज हम इसका मोरल नैतिक भी अर्थ है रित का, रित इज राइट और सत्य जो है ट्रुथ है, तो सत्यम वदामि वहां पे ट्रुथ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम भाव अमृत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल ये दोनों अर्थ आपने जो बताए बहुत लॉजिकल, पूरे सूत्र की व्याख्या आपने बहुत सुंदर की, आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और हम आपसे इसी तरह सुनते रहेंगे, धन्यवाद। थैंक यू बहन जी, थैंक यू, सभी को पुनः नमन। हमारे पास समय कम रह गए हैं तो इसलिए हम आगे के चर्चा नहीं कर पाते, लेकिन एक आश्वास दिलाते हैं इस जो रिकॉर्डिंग है इसको हम ग्रुप में डाल देंगे और आप उससे आनंद लेंगे, बार बार अगर इसका अध्ययन आप करेंगे श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसा सूक्त है कि एक ही व्याख्यान में ये समझ में नहीं आने वाला है। तो इस तरह आज का सत्र ही समाप्त करते हैं और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं प्रोफेसर दिनेश शास्त्री जी का, क्योंकि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार करके सहर्ष हमारे साथ इस कार्यक्रम में योगदान दिए हैं। तो पुनः धन्यवाद करता हूँ, हमें शांति पाठ करता हूँ, आप सभी लोगों की कुशल कामना भी करता हूँ। ओम द्यौः शान्तरिक्षम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को, सब प्रेम नमस्ते, धन्यवाद सबका आभार है। नए विषय के साथ शनिवार को फिर मिलेंगे।